सैम मानेकशॉ हिंदुस्तान के वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें फील्ड मार्शल का पद प्राप्त हुआ। युद्ध चाहे 1965 का हो या 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग, मानेकशॉ ने अपने कुशल नेतृत्व से भारत की जीत सुनिश्चित की। सेना का इतना बड़ा अधिकारी, देश के गौरव, साल 2008 में जब अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तब उनकी जुबान पर एक ही नाम था, बागी। डॉक्टरों से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ ही लिया, आखिर कौन है ये बागी? एक आम आदमी जिसने अपनी आधी जिंदगी भेड़ बकरियों के साथ बिताई, लेकिन एक दिन 58 वर्ष की उम्र में उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया और वो बन गए रणछोड़ दास रबारी से रणछोड़ दास बागी, जिनका नाम देश के नायक रहे मानेकशॉ की जुबान पर उनके अंतिम समय पर था। आखिर एक आम आदमी इतना खास कैसे हो गया कि सेना के सर्वोच्च अधिकारी उसके मुरीद बन गए? बागी का जन्म गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा से सटे पाकिस्तान के पथपुर गथरा में हुआ था, लेकिन रणछोड़ दास का परिवार विभाजन के बाद भारत आकर बस गया। इनकी जिंदगी तब बदली जब 58 वर्ष की उम्र में बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक वनराज सिंह झाला ने उन्हें पुलिस गाइड बना दिया और यहां से शुरू हुई असल कहानी। साल था 1965। पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ की सीमा के विधाकोट थाने पर कब्जा कर लिया था। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना के लगभग 100 सैनिक शहीद हो गए। तब रणछोड़ दास की मदद से वहां पर 10,000 सेना के जवान पहुंचे और पाकिस्तान के खिलाफ जंग में जीत हासिल की। कहते हैं रणछोड़ दास के पास एक खास हुनर था जिसके जरिए वो ऊंट के पैरों के निशान देखकर ही बता देते थे कि उस पर कितने आदमी सवार थे। इंसानों के पैरों के निशान देखकर वो उनके वजन, उम्र और वे कितनी दूर चले गए होंगे इसका अंदाज़ा तक लगा लेते थे और यही हुनर उनके नाम में पागी शब्द को सार्थक करती थी। पग यानी पैर और पैरों के निशान देखकर जो युद्ध के नतीजे बदल दे वो थे रणछोड़ दास पागी। अपने इसी हुनर से एक बार उन्होंने रात के अंधेरे में सिर्फ पैरों के निशान देखकर दुश्मन सैनिकों की लोकेशन बताई और साथ ही ये तक बता दिया कि उनकी संख्या कितनी है, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के 1200 सैनिकों पर हल्ला बोल दिया। साल 2008 में जब फील्ड मार्शल मानेकशॉ तमिलनाडु के वेलिंगटन अस्पताल में भर्ती थे तो अक्सर पागी पागी नाम पुकारा करते थे। डॉक्टरों ने उनसे पूछा कि ये पागी कौन है, तब उन्होंने आगे की कहानी बताई कि कैसे साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीत लिया था। मानेकशॉ ने रात के खाने पर रणछोड़ दास को बुलाया था। हेलीकॉप्टर में बैठते समय जब रणछोड़ दास का झोला चेक किया गया तो उसमें 2 रोटियां, प्याज और बेसन की सब्जी थी। ये खाना दोनों ने मिलकर खाया। रणछोड़ दास को साल 1965 और 1971 के युद्धों में उनकी भूमिका के लिए संग्राम मेडल, पुलिस मेडल और समर सेवा स्टार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 27 जून 2008 को मानेकशॉ के निधन के बाद 2009 में पागी ने पहले सेना से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और 2013 में 112 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। रणछोड़ दास पागी अपनी देशभक्ति, त्याग और समर्पण के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने उनके सम्मान में अपनी एक बॉर्डर पोस्ट का नाम उनके नाम पर रखा है। तो ये थी रणछोड़ दास पागी की कहानी।